अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का अमेरिका में टिकटॉक के मुस्तकबिल पर कोई तबसरा करने से इनकार। ट्रूडो का कहना था कि अपने शहरियों की हिफाजत पहली तरजीह है, हमने पहले ही अहम इकदाम किए हैं और हम उसे जारी रखेंगे। कंजर्वेटिव रहनुमा पियर पॉलिवर का नोए कैंप का दौरा किया। पॉलिवर ने दावा किया कि ट्रूडो हर चीज़ के बारे में झूठ बोल रहे हैं। ट्रूडो का कहना था कि पॉलिवर इंतहा पसंदों की हिमायत करते हैं। इन्वायरमेंट कैनेडा की जानिब से टोरंटो के लिए फ्रॉस्ट एडवाइजरी जारी। दर्जा हरारत इंजिमात के निशान तक पहुंचने की तवक्को। पौधों और फसलों को मुमकिन नुकसान और तबाही पहुँचने का खदशा। गजा के अस्पतालों में इज्तिमाई कब्रें। अमरीका ने इसराइल से जवाब तलब कर लिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि हमें जवाब चाहिए, हम इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात चाहते हैं। गजा के अस्पतालों में इज्तिमाई कब्रों ने अक्वामे मुत्तहिदा को भी खौफ ज़दा कर दिया। अमरीका की जानिब से चीन के साथ रबते बहाल करने की कोशिशें। अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए। अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट की चीनी सदर से मुलाकात का भी इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो अमेरिका में टिकटॉक के मुस्तकबिल के बारे में कोई तबसरा नहीं करेंगे, लेकिन उनकी हुकूमत कैनेडा के शहरियों की हिफाजत जारी रखेगी। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो अमेरिका में टिकटॉक के मुस्तकबिल के बारे में कोई तबसरा नहीं करेंगे, लेकिन उनकी हुकूमत कैनेडा के शहरियों की हिफाजत जारी रखेगी। अमरीकी सैनेट ने एक बिल मंजूर किया है जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बीजिंग में कायम बाइटडांस को एक साल के अंदर सोशल मीडिया ऐप को फरोख्त करने यह अमरीकी पाबंदी का सामना करने पर मजबूर करेगा। मुजवजा पाबंदी यूक्रेन, इसराइल और ताइवान के लिए मल्टी बिलियन डॉलर के इमदादी पैकेज के साथ लगाई गई है। ट्रूडो का कहना है कि जब बात टिकटॉक की हो तो कैनेडियनों की सिक्योरिटी, प्राइवेसी और डेटा के तहफ़ को पहले आना चाहिए। हमने पहले ही इस पर अहम इकदाम किए हैं और हम इसे जारी रखेंगे, लेकिन हम उन तरीकों से काम करेंगे जो कैनेडियनों के लिए दुरुस्त हैं। विफाकी लिबरल्स ने गुज़िश्ता सितंबर में टिकटॉक के कौमी सलामती के जायजे का हुक्म दिया था और ऐप को विफाकी हुकूमत के आलात के लिए ममनू करार दे दिया गया था। मगरबी हुकूमतों ने खदशात का इजहार किया है कि मकबूल प्लेटफॉर्म चीन की हुकूमत के हाथ में हसास डेटा डाल सकता है या इसे गलत मालूमात के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चीनी कानून का कहना है कि बीजिंग में हुकूमत कंपनियों को इंटेलिजेंस जमा करने में मदद करने का हुक्म दे सकती है। कनाडा के अपोजिशन पार्टी के रहनुमा न्यू ब्रंसॉक और नोवा स्कॉटिया के दरमियान सरहद के करीब कार्बन टैक्स मुखालिफ काफिले के कैंप में खुशी मनाने के बाद सवालात का सामना कर रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के अपोजिशन पार्टी के रहनुमा न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कॉटिया के दरमियान सरहद के करीब कार्बन टैक्स मुखालिफ काफिले के कैंप में खुशी मनाने के बाद सवालात का सामना कर रहे हैं, जहां उन्होंने दो टोक अल्फाज में वज़ीर-ए-आज़म पर हर चीज़ के बारे में झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया। इसके जवाब में वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पियर पॉलिवर पर साजिशी नज़रिया साजों और इंतहा पसंदों की हिमायत का खैर मकदम करने का इल्ज़ाम लगाया। सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली वीडियोस में अपोजिशन लीडर मुजाहिरीन का शुक्रिया अदा करते और उनकी हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने खैमाजन किया है जिसे कुछ शुरका ने 1 अप्रैल को कार्बन टैक्स में इजाफे के बाद से 2022 में होने वाले कॉन्वाय मुजाहरों की लाइन एहतजाज को पकड़ों के तौर पर बयान किया है।
मुजाहरीन की तरफ से फिल्माई गई वीडियो में जो 3 हफ्तों से इस जगह पर रह रहे हैं, बॉलीवुड ग्रुप को इसे जारी रखने को कहता है और अपने एहतजाज को एक अच्छी पुराने जमाने की कैनेडियन टैक्स बगावत कहता है। हर कोई टैक्स से नफरत करता है क्योंकि हर एक को खराब कर दिया गया है। लोग इसके झूठ पर यकीन करते थे। ट्रूडो ने जो कुछ कहा वो ऊपर से नीचे तक बकवास था। मुजाहरीन के साथ पॉलीवर के दौरे ने उनके सियासी मुखालफीन में हलचल मचा दी है। मीडिया की दस्तियाबी के दौरान पॉलीवर के तबसरों के बारे में पूछे जाने पर ट्रूडो ने कहा कि हर सियासतदान को इस बारे में इंतखाब करना होता है कि वो किस किस्म का लीडर बनना चाहते हैं। ट्रूडो का कहना है कि क्या वो इस किस्म के लीडर हैं जो हमारे मुल्क में तकसीम, खौफ और पोलराइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, ज़ाती हमले कर रहे हैं और साजिशी नजरिया साजों और इंतहा पसंदों की हिमायत का खैर मकदम करते हैं, क्योंकि बिल्कुल वही है जो पियर पॉलीवर करता रहता है, ना सिर्फ जब आप उसे देखते हैं। डायगलॉन के मेंबरों के साथ मशगूल होना, लेकिन उस वक्त भी जब वो एलेक्स जॉन्स की मजम्मत और तौसीक को मुस्तरद करने से इनकार करता है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए फ्रॉस्ट एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन हफ्ते के आखिर में दर्जा हरारत कम से कम 20 डिग्री तक पहुँच सकता है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए फर्स्ट एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन हफ्ते के आखिर में दर्जा हरारत कम से कम 20 डिग्री तक पहुंच सकता है। टोरंटो में मौसम बहार की आमद है और चेरी के फूल उरूज पर हैं, लेकिन शहर अब ठंड से मुतालिक एडवाइजरी के तहत है क्योंकि खौफनाक हवा बुध की रात वापसी के लिए तैयार है। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि बुध की रात से जुमेरात की सुबह तक वसी पैमाने पर ठंड मुतवक्के है क्योंकि दर्जा हरारत अंजुमात से नीचे गिरता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ठंड से मुतालिक एडवाइजरी उस वक्त जारी की जाती है जब बढ़ते हुए मौसम के दौरान दर्जा हरारत अंजुमात के निशान तक पहुँचने की तवक्को की जाती है, जो पौधों और फसलों को मुमकिन नुकसान और तबाही का बाइस बनती है। कौमी मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि पौधों को ढांपना चाहिए, खासतौर पर वो जगह जहाँ ठंड का खतरा है। अगरचे बुध के लिए पेशगोई की गई ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि रात भर दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड के करीब गिरने की तवक्को है और हवा के साथ ये -5 सेंटीग्रेड की तरह महसूस होगा। पेशनगोई में जुमेरात को ठंडी सूरत हाल जारी रहने का कहा गया है और कौमी मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि रात को ठंड वापस आ सकती है, लेकिन रोशन दिन उफक पर हैं क्योंकि हफ्ते के आखिर में ज्यादा गर्म दर्जा हरारत के साथ जुमे को दर्जा हरारत में बेहतरी की तवक्को है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि गजा के 2 मरकजी अस्पतालों अल नसर और अल शिफा में इज्तिमाई कब्रें बरामद होने पर इसराइली हुकाम से जवाब चाहते हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। गजा के अस्पतालों में इज्तिमाई कब्रें मिलने पर व्हाइट हाउस ने इसराइली हुकाम से जवाब तलब कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि गजा के 2 मरकजी अस्पतालों अल नसर और अल शिफा में इज्तिमाई कब्रों के बरामद होने पर इसराइली हुकाम से जवाब चाहते हैं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलेमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें जवाब चाहिए, हम इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात चाहते हैं। एक रोज पहले अमरीकी महकमा खारजा ने भी गजा में इज्तिमाई कब्रों से मुतालिक रिपोर्ट्स को तशवीशनाक करार देते हुए इसराइली हुकूमत से मजीद मालूमात का तकाजा किया था। वाज़े रहे कि इसराइल ने तमाम बैनुल अक्वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए अल नसर और अल शिफा अस्पतालों का मुहासरा करके उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया है और इस कार्रवाई में सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हुए हैं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद इन अस्पतालों से सैकड़ों लाशें मिली हैं, जिनमें से मुतादिद के हाथ बंधे हुए थे और कुछ बरहना थीं। गजा के अस्पतालों में इज्तिमाई कब्रों ने अक्वामे मुत्तहिदा की शोबा इंसानी हकूक के सरबराह को भी लर्जा कर रख दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के सरबराह वॉल्कर तुर्क ने कहा कि वह गजा के अल नासिर और अल शिफा अस्पतालों की तबाही और इसराइली क्रैकडाउन के बाद इन अस्पतालों से इज्तिमाई कब्रें मिलने पर खौफ का शिकार हैं। उन्होंने इन अस्पतालों में फलस्तीनियों की शहादतों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा भी किया। अक्वामे मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हकूक का कहना है कि गजा के अस्पतालों में दरियाफ्त होने वाले इज्तिमाई कब्रों में पाई गई लाशें बरहना थीं और उनके हाथ बंधे हुए थे। ये हलाकतें जंगी जराइम के जमरे में आ सकती हैं। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक अल नासिर से 283 लाशें मिली हैं, जिनमें से कुछ के हाथ बंधे हुए थे। इसराइली फौज ने हमास के जंगजुओं की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाकर गजा के मुतादिद अस्पतालों का मुहासरा करके वहां क्रैकडाउन किया था। अमरीका की जानिब से ताइवान के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी के बाद चीन के साथ कुशीदगी के खदशात के दौरान अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन सरकारी दौरे पर शंघाई पहुंच गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीका की जानिब से ताइवान के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी के बाद चीन के साथ कशीदगी के खदशात के दौरान अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन सरकारी दौरे पर शंघाई पहुंच गए। अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट का दौरा चीन दोनों हरीफ ममालिक के दरमियान आला सतह पर राब्तों की ताज़ा मिसाल है। इसके अलावा वर्किंग ग्रुप्स, फौजी वफूद का तबादला होता रहा है, लेकिन गुज़िश्ता बरस के शुरू में
दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन एक ऐसे वक्त में शंघाई पहुँच गए हैं जब अमरीका और चीन के दरमियान ताल्लुकात हल तलब मामलात की खराबी के बायस अदम इस्तेहकाम के खतरा से दो चार है। ताहम इस दौरे के जरिए बेहतरी की कोशिश की जा रही है। एंटोनी ब्लिंकन दौरे में जुमे को अपने चीनी हम मनसब वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात के लिए बीजिंग रवाना से कबल कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे और बीजिंग में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी मुतवक्के है। चीन और अमरीका के हुकाम की जानिब से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मामूली पेशरफ के बावजूद ताइवान और यूक्रेन में जंग पर रूस की हिमायत पर दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफ शदीद तर हो चुके हैं। ख्याल रहे कि एंटोनी ब्लिंकन के दौरे चीन से कबल अमरीकी ऐवान में ताइवान के लिए फौजी इमदाद के बिल की मंजूरी दी जा चुकी है जिसमें चीनी कंपनी टिकटॉक पर पाबंदी भी शामिल है। अमरीका की जानिब से चीन के साथ राबते बहाल करने की कोशिशों में सदर जो बाइडन के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान के चीनी वजीर खारजा वांग यी से राबते भी शामिल है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान निमरा कंवर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Thank you.